हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सीएसएस हम सीख रहे थे और सीएसएस में दो चीजें तो हमने सीख ली थी, सिर्फ एचटीएमएल का जिसे हम इनलाइन स्टाइल बोलते हैं और दूसरी जो स्टाइल है जिसे हम इंटरनल स्टाइल शीट बोलते हैं, ये दोनों चीजें हम सीख चुके हैं। तीसरी चीज जो कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसे हमने नहीं सीखा है, तो चलिए आइए सीखते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। यहां पर हमने पहले से बना रखा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसको मैं अभी कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब इसी फोल्डर जो कि सीएसएस के नाम से है इसी के अंदर हम वो फाइलें सेव करने वाले हैं। तो चलिए न्यू फाइल लेने के बाद यहां पर मैं टाइप करता हूं एचटीएमएल, सिंपल जो एचटीएमएल की कोडिंग होती है वही मैं यहां पर कर रहा हूं। यूज ऑफ सीएसएस ये लिख देता हूं, यूज ऑफ सीएसएस। ठीक है, यही हम सीख रहे हैं। तो यहां पर यूज ऑफ सीएसएस लिख दिया हमने और यहां पर एक पैराग्राफ टैग लगा लेता हूं। पैराग्राफ टैग आप चाहे लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखने के लिए हम पैराग्राफ टैग यहां पे लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं वी आर यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन सीएसएस। ठीक है, और यहां पर इसको कर देना है क्लोज पैराग्राफ टैग को। तो ये पैराग्राफ टैग को हमने कर दिया क्लोज, एंटर प्रेस करके नीचे आइए और यहां पर कर दीजिए बॉडी टैग को क्लोज, और बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद फिर नीचे आइए एचटीएमएल को भी कर दीजिए क्लोज। ठीक है, तो ये एचटीएमएल भी हो जाएगा क्लोज। अब इसको सेव करने की बारी, तो यहां से इसे सेव करता हूं और सेव कहां करना है उसी फोल्डर में करना है, तो डेस्कटॉप पे चलेंगे और यहां पर हमें क्या सर्च करना है सीएसएस। सीएसएस के नाम से वो फोल्डर था, तो ये सीएसएस वाला फोल्डर है, ट्रिपल एस था इसमें और इसी के अंदर हमें जाना है। तो ये आ गए हम, अब यहां पर इसको सेव करना है। तो इस फाइल को मैं कोई नाम दे देता हूं, जैसे देंगे yy.html। ठीक है, ये दे दिया हमने और यहां से सेव पे किया क्लिक, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, तो मैं चला करके भी दिखा देता हूं प्रिंट आउट कैसा आ रहा है। ये देख सकते हैं प्रिंट आउट कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और अब इसी तरह की एक दूसरी कोडिंग हम करने वाले हैं यूज ऑफ सीएसएस। यहां लिखता हूं वी आर यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, ये हमने लिख दिया और यहां पर चेंज कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं सिर्फ सीएसएस। ठीक है, CSS ये लिख दिया हमने और यहां पे इसको सेव करना है, तो सेव भी उसी फोल्डर में करना है आपको फिर से। तो उसी फोल्डर में हम मौजूद हैं अभी भी, यहां पर जा करके और इसको नाम दे देता हूं vv.html। तो .html जरूर लगाइएगा इसमें, एंटर प्रेस कीजिए, ये सेव हो गया। यानी दो फाइलें yy और vv.html हमने बना ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और फाइल बनानी है जो कि सीएसएस की फाइल होगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे, h1 टैग लगाया हमने और यहां पर नीचे आए, यहां पर क्या करता हूं सीएसएस स्टाइल में लिखता हूं कलर, और यहां पर कोई भी कलर का नाम आप दे सकते हैं, आप चाहे तो कोड भी दे सकते हैं, मैं यहां नाम ही दे देता हूं। यहां पर कर देता हूं ग्रीन, तो जो भी कलर आप लगाएंगे वो कलर प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, यहां पर इसको कर दीजिए क्लोज और अब इसको सेव कर दीजिए, बस इतने ही को आपको सेव करना है। ध्यान रहे कि इसी में आपका ये भी फाइल सेव होना चाहिए, नाम चाहे कोई भी दे दीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैं यहां नाम दे देता हूं ee. यहां पे css.css एक्सटेंशन के साथ ही आपको सेव करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये हो गया, ये सेव हो गया। अब आते हैं यहां पे, चलते हैं अपने कोड पे, यहां पर आ गए हम। यहां पर आने के बाद ये कोड हमने लिखा है, आप देख सकते हैं यहां पर टाइटल के ठीक नीचे आ जाइए, यहीं पर वो कोड हमें लिखना है जिसकी मदद से हम इन दोनों फाइलों को लिंक करा सकते हैं सीएसएस से, जो हमने सीएसएस का कोड लिखा है उससे लिंक कराएंगे। तो यहां पर आपको लिखना है टैग में लिंक अरेल। ठीक है, ये लिखा और यहां पे इज इक्वल टू स्टाइल शीट, आपको यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, स्टाइल शीट। ठीक है, लिंक रेल और यहां पे लिखना है स्टाइल शीट। ठीक है, और इस डबल इंटेड कॉमा को कर देना है क्लोज, फिर यहां पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस। ठीक है, ये लिखा और फिर यहां पर इसको लिंक करा देता हूं। ठीक है, तो लिंक कराने के लिए हमें क्या देना है, यहां पे वही सीएसएस फाइल का नाम देना है जो हमने बनाया था, तो डबल ई डॉट सीएसएस यही तो दिया था हमने,
कलर जो हमने दिया था वही कलर इसमें प्रिंट होकर आएगा। इसके पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कैसा कलर प्रिंट होकर आ रहा था, बिल्कुल व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा था इसका प्रिंट। ठीक है, अभी हमने ये कर दिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ सिंपली फाइल पे जाना है और इसे सेव कर देना है। ठीक है, सेव कर दिया, अभी हम इस पे हैं। ठीक है, अब हम वाई वाई पे चलते हैं और यही सेम चीज हमें वाई वाई में भी करनी है। इफ इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक सी एस एस, ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। तो एच आर ई एफ इज इक्वल टू, यहां पे जिससे भी इसको लिंक कराना है, ई डॉट सी एस एस, इसी से तो इसे लिंक कराना है, तो ये आप जरूर दे दीजिए और इसके बाद आप इसको भी सेव कर दीजिए। तो ये दोनों फाइलें सेव हो चुकी हैं, ये वाई वाई डॉट एस टी एम एल और यहाँ पे वी वी डॉट एस टी एम एल, दोनों फाइलें सेव हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें भी ई डॉट सी एस एस, ई डॉट सी एस एस, इसी से हम लिंक कर रहे हैं इसे। तो चलिए अब सेव कर लेने के बाद इसे क्लोज करते हैं और आप पहली फाइल को यहां पर देख लीजिए एक बार, आप भी अच्छे से देख लीजिए। वीवी डॉट वीवी के नाम से सेव किया था और फिर यहाँ पे वाई वाई, तो यहाँ पे वाई वाई को पहले ओपन करता हूं, देखते हैं कलर का प्रिंट कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर में ये प्रिंट आ रहा है, हमने सीएसएस की कोडिंग दी थी जिसमें हमने ग्रीन कलर यूज किया था, यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रिंट आ गया। चलिए दूसरी फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए, यहां पर भी ग्रीन कलर का प्रिंट आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अगर आप कोई और भी फाइल बनाना चाहते हैं तो यहां पर आकर के और भी फाइल बना सकते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, हम कलर जो है यहाँ पे लिखने की स्टाइल या कुछ इसमें चेंज कर लेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये किसी अलग तरह की फाइल है, मतलब ये दूसरी फाइल है। यहाँ पर लिखा है हमने वी आर यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, यहां मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम द शाइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये दे दिया। ठीक है, और यहां पे सीएसएस ही रखता हूं। ठीक है, और ये ऊपर तो ये हमने दे ही दिया है, ये आप देख सकते हैं, इसी को कॉपी किया था हमने। अब इसको सेव करना है, यहीं पे सेव करता हूं। ठीक है, आई आई डॉट एस टी एम एल, डॉट एस टी एम एल जरूर लगाइएगा इन सब फाइलों में। एक आपकी सीएसएस की फाइल है, इन सबको इसी एक फाइल से आप लिंक कर रहे हैं। यहां पे ओके किया, अब चलिए अब आई वाई आई आई का प्रिंट देखते हैं कैसा आया है। तो यहां पे देख सकते हैं द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये जो है डार्क ग्रीन में लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सीएसएस की कोडिंग है, आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।